सुनसान सड़क की दोनों तरफ घना जंगल था। उस रास्ते पर निशांत तेजी से भागता हुआ जा रहा था। उसको अपने पीछे चलते हुए दो कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वह आहट एक साय की थी। निशांत जितना उस साय से दूर भागने की कोशिश करता, वह साया हर वक्त उसे खुद के साथ ही नजर आता। वह भागते हुए मैदान में पहुंच गया। उसे लगा अब वो इस जंगल से निकल गया है, मगर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसके पैर वहीं के वहीं रुक गए। वह किसी मैदान में नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान में खड़ा था और सामने ढेर सारी कब्र थी। निशांत की काम्या से शादी हुए अभी एक साल ही हुआ था। दोनों की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी। सुबह से ही काम्या उसका इंतजार कर रही थी, मगर निशांत किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। यार तुम तो शादी की पहली एनिवर्सरी पर ही मेरे साथ नहीं हो, भला कोई अपनी नई नई शादी में अपनी पत्नी से इस तरह का मिसबिहेव करता है क्या? काम्या मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मगर यदि जरूरी मीटिंग नहीं होती तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं आता। बस कुछ ही देरी की बात है, जैसे ये मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक 5 बजे रेडी रहना, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। मुझे नहीं चाहिए कोई सरप्राइज, बस तुम जल्दी से आ जाओ। अब हाँ, बस कुछ घंटे की बात है, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। कहते हुए निशांत ने फोन रख दिया और वो जिस मीटिंग के लिए आया था उस मीटिंग में आने वाले क्लाइंट का इंतजार करने लगा। देर तक वो उस क्लाइंट का इंतजार कर रहा था, मगर क्लाइंट नहीं आया। वो उसके ऑफिस के बाहर चक्कर लगा रहा था। जैसे उसने घड़ी देखी, दोपहर के 2 बज चुके थे। ये विराट सर के खुद की तो शादी हुई नहीं है, मगर लगता है आज मेरी शादी तुड़वा कर रहेंगे। मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, दोपहर के 2 बज चुके हैं, उनका कोई पता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं रात को 9 बजे से पहले काम्या के पास पहुंच पाऊंगा। निशांत खुद से ही बातें कर रहा था कि विराट वहां आ गया और दोनों विराट के कैबिन में जाकर मीटिंग करने लगे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई घड़ी में 6 बज रहे थे। अरे आज तो घर पहुंच पाऊंगा, तब तक मेरी एनिवर्सरी खत्म हो जाएगी। कैसे भी करके 12 बजे से पहले मुझे काम्या के पास पहुंचना होगा। सोचते हुए निशांत स्पीड में कार चलाने लगा, मगर ट्रैफिक के कारण उसकी कार तेज नहीं चल पा रही थी। आज मुझे शॉर्टकट लेना ही होगा, वरना समय पर घर नहीं पहुंच पाऊंगा। सोचते हुए उसने गाड़ी हाईवे से सुनसान सड़क की ओर डाल दी। सुनसान सड़क पर कुछ दूर तक कुछ गाड़ियां आती जाती नजर आ रही थी, मगर जैसे ही अंधेरा घेरने लगा सड़क पर आवाजाही ना के बराबर हो गई। दोनों तरफ कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, सिर्फ निशांत की कार की हेडलाइट की रोशनी सड़क पर दिखाई दे रही थी। कुछ देर पहले तो इस सड़क पर थोड़ी बहुत हलचल भी थी, मगर अब तो पूरी रोड सुनसान है। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, मुझे गूगल मैप ऑन करना ही होगा। खुद से बातें करते हुए जैसे ही निशांत ने अपना मोबाइल अपने हाथों में लिया तो उसने देखा मोबाइल पर काम्या के 2 मिस कॉल थे। वह काम्या को फोन लगाने लगा तो उसके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं थी। शिट यार, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है, इसका मतलब गूगल मैप भी नहीं चलेगा। काश थोड़ा बहुत नेटवर्क होता तो मैं किसी को अपनी लोकेशन शेयर करके मदद मांग लेता, मगर अब तो इस सड़क पर आगे जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हो सकता है यही सड़क आगे जाकर हाईवे से मिल जाए। निशांत अंधेरे में धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने लगा, तभी अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन ऑफ होने लगी। हेडलाइट की दिक्कत को इग्नोर करते हुए निशांत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाकर हेडलाइट बंद हो गई, चारों तरफ अंधेरा था। निशांत ने गाड़ी बंद करके दोबारा चालू करके हेडलाइट चालू करने की कोशिश की। एक दो बार बंद चालू होकर हेडलाइट चालू हो गई थी। हेडलाइट चालू होने के बाद जैसे ही निशांत की गाड़ी कुछ दूर चली थी, उसे बीच जंगल में एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ नजर आया। बीच जंगल में ऐसे किसी को देख निशांत को हैरानी हुई। इस बीच जंगल में कौन बैठा हो सकता है? लगता है कोई लकड़हारा होगा जिसे मदद की जरूरत होगी। गाड़ी रोककर पूछ लेता हूँ, हो सकता है वो यहाँ से निकलने का रास्ता बता दे। सोचते हुए निशांत ने अपनी कार उसी व्यक्ति के पास लाकर रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से निशांत डर गया, मगर फिर भी कार का गेट खोलकर उसके करीब गया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो, कोई मदद की जरूरत है क्या? निशांत की आवाज सुनकर
वो पीछे पलटा और रोते रोते जोर से हंसने लगा। हंसते हुए उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। सर पर लगी हुई चोट से बहता हुआ खून सूख चुका था, जिस पर कुछ मक्खियां बेनक रही थी। शरीर पर जगह जगह घाव के निशान थे जिन पर कीड़े चल रहे थे। उसका ये रूप देखकर निशांत की चीख निकल गई। वह तेजी से भागने लगा और भागते हुए अपनी कार के करीब पहुंच गया। वो इंसान था या कुछ और? जो कोई भी था, थैंक गॉड मैं बच गया। कहते हुए उसने जैसे ही अपनी कार का गेट खोला, कार की पिछली सीट पर वही व्यक्ति बैठा हुआ था। निशांत अपनी कार को छोड़कर वहां से भागने लगा। उसको अपने पीछे चलते हुए दो कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वह आहट एक साहे की थी। निशांत जितना उस साहे से दूर भागने की कोशिश करता, वह साया हर वक्त उसे खुद के साथ ही नजर आता। वह भागते हुए मैदान में पहुंच गया। उसे लगा अब वो जंगल से निकल गया है, मगर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसके पैर वहीं के वहीं रुक गए। वह किसी मैदान में नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान में खड़ा था और सामने ढेर सारी कब्रें थी। उसके पैर वहीं पर जम गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जाए। पीछे भयानक साया और सामने कब्रिस्तान। डर के कारण तेजी से कांपने लगा। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही साया उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उस साये ने उसे तेजी से धक्का दिया और निशांत एक कब्र के ऊपर जा गिरा। जैसे वो गिरा, कब्र में से दो हाथ निकल कर बाहर आए और उन्होंने निशांत को पकड़ लिया। निशांत खुद को छुड़ाने के लिए बेचैन हो रहा था। वो उन हाथों की पकड़ से छूटकर तेजी से भागने लगा। देर तक भागने के बाद उसे महसूस हुआ कि वो जहां खड़ा था वहीं है। उसके आसपास चमगादड़ मंडराने लगे। पास ही पेड़ पर बैठा हुआ उल्लू रो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कब से भाग रहा हूँ और यहाँ से हिला भी नहीं। अचानक मौसम बदलने लगा, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़क रही थी। तभी कब्र से निकला हुआ हाथ निशांत की ओर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ वह साया ठीक उसके सामने खड़ा था। पसीने से लथपथ निशांत को अब भगवान याद आने लगे थे। वह कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा होकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसिति लोक उजागर। आधी अधूरी बोलते हुए वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। वह हाथ जो कब्र से बाहर निकले थे, उन हाथों ने अब निशांत के पैरों को पकड़ लिया था। वो हाथ उसे पैरों से घसीटते हुए कब्र के अंदर ले गए। निशांत जोर से चीखने लगा। जैसे ही वो चीखा, वो वापस उसी जंगल में था जहां उसकी कार थी और सामने वही साया खड़ा था। निशांत को अब समझ में आ गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक छलावा है, मगर वो छलावे से कैसे निपटे ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी माँ ने पिछले वर्ष नवरात्रि की पूजा करके माताजी की चुनरी और ताबीज उसे आशीर्वाद के स्वरूप प्रदान किया था, मगर उसने अपनी माँ की बात को हंसी में टालते हुए वह ताबीज और चुनरी कार के डैशबोर्ड में ही छोड़ दी थी। वह भागते हुए कार के करीब गया और हड़बड़ाते हुए उसने जैसे ही डैशबोर्ड खोला, सामने ही माताजी की चुनरी और ताबीज रखी थी। उसने माताजी की चुनरी को उठाकर अपनी आंखों से लगाया और ताबीज व चुनरी अपने गले में डाल दिया। फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वसाया अभी भी उसकी गाड़ी के साथ साथ ही चल रहा था। उसने जैसे ही गाड़ी को रोकने की कोशिश की, उसको जोरदार झटका लगा। वह कार से बहुत दूर जाकर गिर गया। बैक व्यू मिरर से उसने देखा, वह साया वह अदृश्य हो चुका था। वहां पर कोई नहीं था। तभी उसके फोन पर काम्या का फोन आया। निशांत के मोबाइल में नेटवर्क आ चुका था। निशांत ने तुरंत ही गूगल मैप ऑन किया और उस जंगल से निकलकर हाईवे पर आ गया। आज भी निशांत जब शहर जाता है तो जंगल वाले शॉर्टकट को देखकर उसे पसीने आ जाते हैं। बड़े से आलीशान घर के मास्टर बेडरूम में सो रही मोनालिसा की जब रात को नींद खुलती है तो देखती है कि उसके कमरे की सीलिंग पर एक भयानक साया लटक रहा है, जिसके चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी। वो धीरे धीरे मोनालिसा के करीब आने लगा। ये दृश्य देखकर मोनालिसा पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गई। उसके पूरे चेहरे पर इतना पसीना था कि मानो अभी मुंह धोकर आई हो। सोहन शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी में कई सारे लोग काम करते थे, उन्हीं में से एक थी मोनालिसा,
जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नजर सोहन की दौलत पर थी। काम के बहाने उसने धीरे धीरे सोहन का दिल जीता और उससे शादी कर उसके घर आ गई। मोनालिसा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों साथ में जीवन बिताने वाले हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है मेरी किस्मत पर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे धोखा दो। मोनालिसा, तुम धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा है और फिर आज रात हमारी सुहाग रात है और तुम धोखे के बारे में बात कर रही हो। सोहन, हमारी सुहाग रात तभी होगी जब तुम मेरी कुछ शर्तों को मानोगे। शर्त? कैसी शर्त? तुम अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरा यूज करके मुझे धोखा दे दो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। कहते हुए मोनालिसा अपने सुहाग रात पर ही अपने पति से अलग सो जाती है। अगले दिन ही सोहन ने वकील को बुलाकर अपनी सारी जायदाद मोनालिसा के नाम कर दी। मोनालिसा अब सोहन के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, मगर अपने मन में सोहन को अपने रास्ते से हटाने का सोचने लगी। एक रात उसे मौका मिल ही गया। जब घर में कोई नहीं था, उसने सारे नौकर को छुट्टी दे दी। देर रात जब सोहन ऑफिस से घर लौटा तो पूरे घर में अंधेरा था। सिर्फ उसके कमरे में हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। वो अपने नौकर और मोनालिसा को आवाज देने लगा। जब किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो वो मोबाइल की रोशनी में धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे से लाइट रोमांटिक म्यूजिक की आवाज आ रही थी। सोहन एक्साइटेड हो गया। उसे लगा शायद मोनालिसा ने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। जल्दी जल्दी भागते हुए अपने कमरे में पहुंचा। मोनालिसा बेड पर उसका इंतजार कर रही थी। उसे इस तरह देख सोहन के दिन भर की थकान दूर हो गई। अपने हाथ का ऑफिस बैग साइड के काउच पर रखकर वो मोनालिसा के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने मोनालिसा की गालों पर किस किया, पीछे से दो लोग आए और उन्होंने एक भारी चीज से सोहन के सर पर वार कर दिया। सोहन वहीं तड़पकर बेहोश हो गया। उन लोगों ने तुरंत सोहन के शरीर को चेक किया तो सोहन जिंदा था। अरे, ये तो अभी जिंदा है। क्या फर्क पड़ता है, जिंदा है तो मर जाएगा। जल्दी से इसे बोरी में डालो और इसे ले जाकर घर के पीछे जो गड्ढा खुदा है उसमें डाल दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। गड्ढा पूरी तरह से भर देना। सोहन उस समय जिंदा था, मगर मोनालिसा की बातें सुनकर उसके जिंदा रहने की इच्छा मर गई। वो धीमी आवाज में बोला, मोनालिसा, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं लौट कर जरूर आऊंगा, तुमसे बदला लेकर रहूंगा। उसकी बात सुनकर मोनालिसा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बदला तो तब लोगे जब जिंदा रहोगे। गड्ढे में अपनी अंतिम सांस लेना। गुड बाय मिस्टर। मोनालिसा के कहने पर उन लोगों ने जिंदा ही सोहन को गड्ढे में दफना दिया। कुछ दिनों तक तो मोनालिसा सोहन के लापता होने की अफवाह फैलाकर उसे ढूंढने का नाटक करती थी, मगर जैसे ही लोग सोहन को भूल गए, मोनालिसा उसकी दौलत पर ऐश करने लगी। ऐसे ही एक रात को वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों हैरान हो गए क्योंकि घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। रूम के दरवाजे पे दस्तक कौन कर रहा है? घर पे तो कोई नौकर भी नहीं है। कोई नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, चलो सो जाते हैं। कहते हुए उसने मोनालिसा को अपनी बाहों में लेकर पलंग पर चला गया। तभी मोनालिसा को कांच में किसी की परेशानी नजर आई। उसने अपने फ्रेंड को धक्का देकर खुद से दूर किया और दरवाजा खोलकर चेक किया तो दरवाजे पर कोई नहीं था। वो लौटकर वापस अपने पलंग पर आकर लेट गई। जैसे ही उसे नींद लगने लगी, ऐसा लगा किसी का हाथ उसके ऊपर है। उसे लगा उसके दोस्त का हाथ होगा। वो हाथ उठाकर अपने ऊपर से हटाने लगी तो वो हाथ उसके हाथ में आ गया। डर के कारण वो उठ बैठी और उसने लाइट ऑन की तो देखा सामने सोहन बैठा था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे और चेहरे और सर पर लगी चोट के कारण बहता हुआ खून नजर आ रहा था। उसने डर के कारण आंखें बंद कर ली और तभी कुछ टूटने की आवाज आई। उसने जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, एक काली बिल्ली उसके पलंग पर बैठी हुई थी। वो आंखें खोलकर चारों ओर सोहन को ढूंढ रही थी, मगर सोहन कहीं नहीं था। वो दोबारा पलंग पर लेट गई और जैसे ही उसकी नजर उसके कमरे के सीलिंग पर गई, वहां एक भयानक साया लटक रहा था।
जिसके चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी, वो धीरे धीरे मोनालिसा के करीब आने लगा। ये दृश्य देखकर मोनालिसा पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गई। उसके पूरे चेहरे पर इतना पसीना था कि मानो अभी मुंह धोकर आई हो। जैसे ही वो साया उसके बिल्कुल करीब आया, मोनालिसा ने उसे अपने हाथों से धक्का दे दिया। दूर गिरकर वह साया अदृश्य हो गया। सारी रात डर के कारण वह सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने उन दो लोगों को बुलाकर दोबारा सोहन की कब्र खुदवाई। सोहन उसी कब्र में था। उसकी लाश को देखकर मोनालिसा को यकीन हो गया कि कल जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बुरा ख्वाब था। कब्र से लौटकर मोनालिसा खुद को रिलैक्स करने के लिए बाथटब में नहा रही थी, तभी बाथटब का पानी पूरी तरह से लाल हो गया। डर के कारण वो उसे निकलने के लिए खड़ी हुई तो ऐसा लगा किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो, और वह बाथटब में खींचती चली गई। उसका चेहरा पानी के अंदर डूब गया था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि वो पहले की तरह नॉर्मल ही है और बाथटब का पानी भी सही है। वो रिलैक्स होकर गहरी सांस लेने लगी। तभी उसकी निगाह सामने वॉश बेसिन पे गई। यहाँ पे उसे सोहन नजर आ रहा था। अब उसे लगने लगा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सब कुछ सोहन की आत्मा ही कर रही है। सोहन, मुझे पता है तुम मुझसे बदला लेने के लिए आए हो, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। इस तरह मुझे परेशान मत करो। मोनालिसा की बातें सुनकर सोहन की आत्मा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अब रात दिन मोनालिसा सोहन की आत्मा को अपने आसपास महसूस करती, और डर के कारण उसका जीना मुहाल हो गया था। एक दिन ऑफिस में कुछ लोगों के साथ मीटिंग चल रही थी। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी प्रेजेंटेशन लोगों के साथ शेयर करने लगी। तभी उसे उसी वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर सोहन का साया नजर आने लगा। गुस्से में आकर उसने पास में रखा फूलदान कंप्यूटर स्क्रीन पर दे मारा। कंप्यूटर स्क्रीन बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसके पास बैठे लोग अचानक से हुई इस हरकत को देखकर उसे हैरानी से देख रहे थे। सबके सामने मोनालिसा शर्मिंदा हो गई और मीटिंग छोड़कर अपने घर आ गई। ऐसे ही कई बार उसे अपने आसपास सोहन के होने का एहसास होता, और वो कुछ ऐसी हरकत कर बैठती कि लोग उसे पागल समझने लगे थे। ऐसे ही एक दिन लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो मोनालिसा ने सुन लिया था। तुम लोगों को क्या लगता है मैं पागल हो गई हूँ? मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे हर दूर हन नजर आता है, वो मुझे मार डालेगा। हिम्मत है किसी को तो बचा ले मुझे उससे। तुम सच में सोहन के जाने के बाद पागल हो गई हो? सोहन हम सबको छोड़कर कहीं दूर जा चुका है, उसका कोई पता ही नहीं है, और तुम कहती हो कि वो तुम्हें नजर आ रहा है। सोहन कहीं नहीं गया है, यही है, देखो वो रहा सामने। कहते हुए वो सोहन के साये की तरफ इशारा करने लगी। सभी लोग उस ओर देखने लगे, मगर उन्हें कोई नजर नहीं आया। अरे कोई नहीं है वहाँ, तुम्हारा वहम होगा। मेरा वहम नहीं है बल्कि हकीकत है। मैंने अपने इन्हीं हाथों से सोहन को मारा है, और वो मुझसे बदला लेने वाला है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो चलो मेरे साथ। कहते हुए मोनालिसा अपने दोस्त को अपने साथ सोहन की कब्र पर ले जाती है, जहाँ पर वो गड्ढा खोदकर उन लोगों को सोहन की लाश दिखाती है और अपना जुर्म कबूल करती है। तभी अचानक ही वहाँ का मौसम बदल जाता है। तेज हवाओं के साथ तेजी से बिजली कड़कने लगती है। अब सोहन का साया सभी को नजर आता है। यही तो मैं चाहता था कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया, अब तुम्हें सजा मैं दूंगा। कहते हुए वो मोनालिसा को घसीटते हुए उसी कब्र में डाल देता है। मिट्टी खुद ब खुद उस गड्ढे को भर देती है। मोनालिसा खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, मगर कोई भी उसे नहीं बचाता। उस दिन के बाद से सोहन की आत्मा किसी को भी नजर नहीं आई। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। मैं अपने कमरे में तकियों को बाहों से लपेटे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तभी मुझे रोहन के कमरे से चीखने की आवाज आई। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो, वरना मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। रोहन की आवाज सुनकर मैं जैसे ही उसके कमरे में गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मेरे भाई रोहन को चाचा जी और मेरे पिताजी पकड़े हुए थे। दो शरीर से बलवान आदमी एक 12 साल के बच्चे को अपनी पूरी जी जान से पकड़े हुए थे। ये सब देखकर मैं पहले चौंक गया था, लेकिन जब मेरा ध्यान रोहन के नाखूनों पर गया तो मेरे होश उड़ गए। उसके नाखून में खून और मांस फंसा हुआ था जो उसने अपना ही चेहरा और छाती नोच के इकट्ठा किया था। रोहन पहले से ही अपने ही खून में लहूलुहान हो रखा था, पर मैं जान नहीं पा रहा था कि मेरे छोटे भाई को क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहा है और पिताजी और चाचा जी उसे पकड़े क्यों हैं। मुझे बहुत डर लगने लगा। अपने भाई को दर्द से चीखता देख मैं उसकी मदद के लिए उसके पास जाने को ही हुआ था कि तभी माँ ने मुझे रोकते हुए कहा, रुक जा अर्जुन, अभी तेरे दादा आते ही होंगे, अभी ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। माँ अभी अपनी बात पूरी कर ही रही थी तभी दादा जी आ गए। दादा ने आते ही कहा, बता कौन है तू और कहां से आया है, क्यों परेशान कर रहा है मेरे पोते को, तू क्या चाहता है बता। दादा की बात सुनते ही रोहन की आंखें पहले से और बड़ी भयानक हो गई थी। वो गुस्से में अपने मुंह के अंदर का मांस काट कर खाने लगा था और उसका पूरा मुंह लहूलुहान हो चुका था। उसकी लाल लाल आंखें और चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। कौन है तू, बोलता क्यों नहीं, आखिर चाहिए क्या तुझे, जहां से भी आया है वहीं पर चला जा, तुझे जो कुछ भी चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दे। दादाजी के इतना कहने पर भी रोहन लगातार चीखता और चिल्लाता रहा, फिर अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा। रोहन एक पल में खूब रोता तो अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगता। मैं भी माँ के साथ एक कोने में खड़ा अपने भाई को ये सब करता देख रहा था। घर वालों को भी रोहन की अब चिंता होने लगी थी, क्योंकि दादाजी के पूछने पर भी रोहन ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। सुरेश और विक्रम, रोहन को जल्दी पूजा घर में ले चलो, अब आगे का काम वही होगा। दादाजी की बात सुन पापा और चाचा ने रोहन को कसकर पकड़ लिया था। रोहन ने भी पूजा घर का नाम सुनते ही खौफनाक रूप धारण कर लिया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, वहां मत ले जा, मुझे वहां मत ले जा। रोहन जोर जोर से कहता हुआ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे चाचा और पापा उसे घसीटते हुए पूजा घर में ले गए। वो पहले से काफी शांत भी हो गया था। बोल कौन है तू और यहाँ क्यों आया है, क्या चाहता है, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तेरा, अरे इसे क्यों परेशान कर रहा है, बोल बोल वरना यही तुझे भस्म कर दूंगा। दादा की बात सुनकर रोहन ने पहले तो सभी घर वालों को एक नजर देखा। मैं मसान हूँ और इस लड़के ने मेरे घर को बर्बाद किया। मैं 3 साल से सो रहा था, इसने मुझे नींद से जगाया है, इसलिए मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, इसको तो अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। बहुत देर बाद रोहन ने हम सब से कुछ कहा था, जिसे सुन सभी घर वाले दंग थे। माँ, ये मसान क्या होता है, रोहन ठीक तो हो जाएगा ना माँ? अर्जुन, छोटे बच्चों की आत्माओं को मसान कहते हैं। ऐसे बच्चे जो किसी गंभीर बीमारी या बड़ी बेरहम मौत मरते हैं, और जब उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तब वो इंसानों को परेशान करते हैं, जैसे अभी तेरे भाई को कर रहा है। माँ की बातें मैंने बड़ी ध्यान से सुनी थी, मैं इस बारे में सोच ही रहा था। तू इस बच्चे को छोड़ दे, इससे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ होगा, तुमको परेशान करने का इसका कोई इरादा नहीं था, इसके बदले में जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम मेरा स्थान बनवा दो और लाल कपड़े में सिंदूर और अंडा और पेड़ा मेरे स्थान पर रख दो, मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। ठीक है, आज ही ये सब काम करवा दिया जाएगा, तुम इसे छोड़ दो और अब यहाँ से चले जाओ। दादा के कहते ही मेरे भाई को एक झटका जैसा महसूस हुआ और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हम सब उसे कमरे में ले आए और कुछ देर साथ रहने के बाद हम अपने अपने काम में लग गए थे कि तभी रोहन की आवाज पूरे घर में गूंज गई।
माँ मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना दो। उसकी ये आवाज सुनकर मैं रोहन को सही सलामत देख खुश था, पर मेरी ये खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। ऐसा नहीं है कि दादा ने मना से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया था, बल्कि दो दिन के अंदर ही रोहन की बताई हुई जगह पर एक मसान का स्थान बनवा दिया गया था और वहां पर लाल कपड़े में सिंदूर और अंडा पेड़ा चढ़ा दिया। दो दिन तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन तीसरे दिन भाई ने फिर से पहले जैसा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। सभी लोग असमंजस में थे, क्योंकि जो भी मसान ने मांगा था दादाजी ने वो सब कर दिया। एक बार फिर से दादा और दादी जी को घर बुलाया गया और इस बार दादा पहले से भी ज्यादा गुस्से में थे। फिर आ गया यहाँ, हमेशा के लिए कैद होना चाहता है। जो तूने कहा था वो सब कुछ तुझे दिया, फिर भी तू इस बच्चे को परेशान कर रहा है। दादाजी की बात सुनकर रोहन और जोर से चिल्लाया, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसे एक बार फिर से पूजा घर में ले चलो। दादाजी ने पापा और चाचा से कहा था और रोहन भी पूजा घर जाने के नाम पर और जोर जोर से चीखने लगा था। अब तो वो इतना तेज चिल्ला रहा था कि आसपास के मोहल्ले वाले भी रोहन की चीख साफ सुन सकते थे और लोगों ने रोहन को लेकर अपनी ही कहानी बनाना शुरू कर दी थी। तभी हमारे घर दादा के दोस्त आए, उन्हें आते ही पता चल गया था कि आखिर रोहन के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने दादा से तुरंत कहा, मोहन जब ये तुझसे नहीं संभाला जा रहा तो क्यों इस बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तुझे पता है ना, ये मसान बड़ा ही उज्जड़ है, किसी से शमशान क्या घोरी लीलाधर को भुलवा लो, ये मसान तो क्या बड़े से बड़ा जिन पिशाच भी पानी मांगते हैं उसके सामने। अपने दोस्त की बात सुनकर दादा ने कुछ सोचते हुए चाचा से तुरंत कहा, विक्रम जल्दी जाओ और अघोरी लीलाधर को ले आओ। गांव के बाहर नदी के पास एक शमशान है, वही अघोरी लीलाधर अपने दो शिष्यों के साथ रहते थे। मेरे चाचा शमशान पहुंचकर रोहन की तकलीफ उन्हें बता दी। अघोरी लीलाधर भी हमारी मदद के लिए तैयार हो गए थे। फिर कुछ देर बाद अलख निरंजन कहते हुए घर में प्रवेश हुए। दादा ने अघोरी लीलाधर को देखते ही उन्हें प्रणाम किया और अपने दिल की बात बता दी, जिसे सुनकर अघोरी लीलाधर ने कहा, चिंता ना करें, मैं अभी उस दुष्ट को यहाँ से भगा देता हूँ, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। इतना कहकर अघोरी लीलाधर आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। फिर कुछ देर बाद अघोरी लीलाधर ने आंखें खोली और कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि आसपास कोई और भी दुष्ट आत्मा है जिसके इशारे पर यह सब हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जिस बच्चे को ये दुष्ट परेशान कर रही है उसे लेकर आओ। लीलाधर की बात सुनकर चाचा और पापा रोहन को अघोरी लीलाधर के सामने ले आए थे। अघोरी लीलाधर ने मेरे भाई रोहन का हाथ पकड़ा और पूछा, बोल कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो, बोल वरना। अघोरी लीलाधर ने पूछते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाए थे। तभी मेरा भाई चिल्लाने लगा। अघोरी ने तुरंत ही शमशान की सिद्ध की हुई भभूति रोहन के माथे पर लगाते हुए कहा, अगर अपनी भलाई चाहता है तो बिना हिले डुले सीधा बैठा रहे और जो कुछ मैं पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब देना, वरना तुझे हमेशा के लिए एक बोतल में कैद कर दूंगा। अघोरी की आवाज में ना जाने क्या था, मेरा छोटा भाई बिल्कुल शांत हो गया। नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं सब सच बताऊंगा, बोल कौन है तू और इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है? जब तुझे तेरा स्थान और भोग मिल गया था तो फिर क्यों लौट कर आया? मैं मसान हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरा स्थान और भोग मिलने पर मैं तो चला गया था, लेकिन ये सब एक पिशाच देख रहा था जो मेरे स्थान के बगल में ही रहता है, जिसने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है। बोला अगर उसकी बात नहीं मानी तो मुझे कैद कर लेगा और मेरे हाथों मासूम बच्चों को मरवाएगा। मैं तो खुद भी एक बच्चा हूँ,
मेरा भी मन खेलने कूदने का करता है। मैं किसी की जान लेना नहीं चाहता। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई बच्चा तकलीफ में हो, क्योंकि मैं भी किसी रोज इसी तकलीफ में तड़प तड़प कर मर गया था। वो पिशाच ताकतवर है, मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। मसान की सारी बातें सुनने के बाद अघोरी लीलाधर ने घर वालों से कहा, तुम एक मिट्टी का कलश, नींबू, सिंदूर और लाल कपड़ा ले आओ। मैं पहले इस मसान को आजाद करता हूँ, फिर उस पिशाच को देखूंगा। मेरे चाचा जाकर सामान ले आए। अघोरी लीलाधर ने मेरे छोटे भाई को लौंग द्वारा बने एक घेरे में बिठाया और नींबू काट कर रख दिया। फिर मिट्टी के कलश में अंडा पेड़ा रख के मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा। अचानक मेरा भाई बेहोश हो गया और योगी लीलाधर ने कलश को लाल कपड़े से बांध कर उसे सिंदूर से रंग दिया। फिर सबको सुनाते हुए कहा, अब तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। इस मसान को मैंने इस कलश में कैद कर दिया है और इसे मैं नदी में डुबो दूंगा। कल शाम को मैं एक ताबीज कर दूंगा जो इसके गले में बांध देना, फिर इसे कोई भी दुष्ट आत्मा परेशान नहीं करेगी। अघोरी लीलाधर अभी बोल ही रहे थे कि तभी मैंने पूछा, तो बाबा उस पिशाच का क्या होगा? मेरी बात सुनकर सबकी नजरें मुझे ही देखने लगी थी और बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, उसका इलाज मैं उसके स्थान पर जाकर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। बाबा की बात सुनकर मैंने अपना सिर नीचे कर लिया और सभी लोग अघोरी लीलाधर का धन्यवाद करने लगे। दूसरे दिन अघोरी लीलाधर ने मेरे भाई के गले में एक ताबीज बांध दिया और उसी रात मैं अघोरी लीलाधर का पीछा कर उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर मेरे भाई को भूत बाधा हुई थी। मैंने देखा कि पहले तो अघोरी लीलाधर ने उस स्थान पर चारों तरफ लौंग से घेरा बनाया और अपने एक शिष्य को उसके अंदर बैठने को कहा। घेरे के अंदर बैठने से शिष्य डर रहा था, पर उसे अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। फिर जैसे ही उसने घेरे में कदम रखा तो उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई थी। वो किसी खूंखार जानवर की तरह चिल्ला रहा था, चीख रहा था, तू मुझे कैद करने आया है? तू जानता भी है मैं एक पिशाच हूँ, तेरे जैसे को तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालता हूँ। पिशाच ने अघोरी लीलाधर से कहा था, पर अघोरी ने पिशाच की सारी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल दी थी और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए शमशान की सिद्ध करी हुई राख उस पर छिड़कने लगे थे, जिससे घेरे के अंदर बैठे उस शख्स के जिस्म पर जख्म बन गए थे, जिससे खून निकलने लगा था। वो अब दर्द में और तड़पने लगा था। पिशाच को दर्द में तड़पता देख अघोरी ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया, जिसे सुन अघोरी के अंदर बैठा शख्स दर्द से जमीन पर रेंगने लगा था। उसने पहले तो अपने नाखूनों से अपना जिस्म नोचा और जमीन में गड्ढा कर उसमें समाने की कोशिश करने लगा, पर अघोरी अपने मंत्रों से उस पिशाच को जितना तड़पा सकता था उसे उतना तड़पाया। फिर एक छोटे मटके में अंडा फोड़ते ही शिष्य अपने आप ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और अघोरी ने छोटे मटके को लाल कपड़े से बांधा और वापस शमशान चला गया। मैं आज भी अक्सर उस जगह पर जाकर बैठ जाता हूं जहां मेरे भाई को उस मसान ने परेशान किया था और उस मसान को पिशाच ने। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन हाँ एक अजीब सी ठंडक जरूर महसूस होती है। अब ये भूत है, मसान है या फिर पिशाच, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। हरियाणा के अरावली पहाड़ों में पुलिस को अभी अभी एक अज्ञात लाश की खबर मिली थी। रात बहुत हो चुकी थी और उस रात को और खौफनाक बनाने में मूसलाधार बारिश ने उसका साथ देना शुरू किया। ऐसी बारिश और बार बार आती भयंकर बिजली की आवाज की अपने आप कानों पर हाथ चले जाएं। लेकिन पुलिस का जो काम है वो न तो बारिश देखता है और न ही रात, और वे लोग उस जगह पहुंचे
जहां पर वो लाश दिखी थी। बुरी तरह घायल वो शरीर उसको साफ देखकर यह पता चल रहा था कि किसी ने बुरी तरह कोई दुश्मनी निभाई है। शरीर पर ढेर सारे चाकू के निशान, चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ और शायद कुछ हड्डियां भी टूट चुकी थी। पुलिस ने बॉडी को सर्च करना शुरू किया तो देखा कि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस उधर गिरा हुआ था, जिस पर खून के निशान भी थे। मालूम पड़ रहा था कि यही शख्स खूनी होगा। सुमित और अमन को हरियाणा से निकले हुए कुछ समय हो गया था। करीबन उन्होंने 400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर ली थी। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दोनों ने ढाबे पर रुककर अभी खाना ऑर्डर किया ही था कि तभी उनकी नजर गंदी हो चुकी गाड़ी पर गई। तभी सुमित ने ढाबे पर काम कर रहे एक छोटे से बच्चे से कहा, अरे छोटू वो गाड़ी धो दे यार। गाड़ी धुलवा कर खाना खाकर दोनों ढाबे से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे ही थे कि तभी गाड़ी के बोनट पर एक उल्लू आकर बैठ गया और अपना सर घुमाकर विंडशील्ड से दोनों को घूरने लगा। सुमित ने विंडो नीचे करके हाथ बाहर निकाला और बोला, क्या बे उल्लू, जंगल का रास्ता भूलकर यहाँ आ गया, चल निकल यहाँ से, ए हट, चल हट। सुमित गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी उसकी डिक्की से आवाज आई। सुमित ने डिक्की चेक की, डिक्की खुली पड़ी थी, इसलिए उसने इस बात के बारे में ज्यादा सोचा नहीं और गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़ा। गाड़ी चलाकर ढाबे से करीबन 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि तभी सुमित के कंधे पर हाथ रख कर कोई पीछे से बोला, जरा गाड़ी लेफ्ट में रोकना। अमन चिल्लाया, अबे गाड़ी क्यों रोकी, इतनी तेज ब्रेक कोई लगाता है क्या? सुमित ने जो कहा उसको सुनने की उम्मीद अमन को नहीं थी। भाई किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा। हाँ पीछे भूत बैठा है ना, चल हट साइड में आ, मैं गाड़ी चलाऊंगा, रात की उतरी नहीं है तेरी अब तक लगता है। अमन ने सीट बदल कर गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। बाहर पड़ रही ठंड इतनी बढ़ रही थी कि अब वो उस सर्दी को अंदर भी महसूस कर पा रहे थे। और अमन ने गाड़ी का ब्लोअर ऑन कर दिया। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि इस बार अमन ने ब्रेक मारे। अब तुझे क्या हुआ बे? यार किसी ने मुझे भी पीछे से कहा, जरा ब्लोअर मिडल में करना। सुनसान सड़क, घंघोर कोहरा और अगल बगल के जंगल से आती आवाजें उनकी इस सिचुएशन को और भी डरावनी बना रही थी। दोनों बात कर ही रहे थे कि गाड़ी की छत पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। फिर भी हिम्मत करके जब दोनों उतरे तो सर के बेहद करीब से एक उल्लू उड़ता हुआ गया और पास के पेड़ के एक शाख पर जाकर बैठ गया। देखकर लग रहा था कि मानो वो उन्हें ही देखकर आवाज कर रहा हो। भाई ये वही उल्लू है क्या जो शुरू में हमारी गाड़ी पर आकर बैठ गया था? पता नहीं यार, पर ये उल्लू हम लोगों को इतना घूर क्यों रहा है? उस उल्लू से ध्यान हटाकर जब गाड़ी की छत पर देखा तो कुछ नहीं था, पर वहां पर एक डेंट जरूर था। दोनों की समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या था, पर बिना ज्यादा दिमाग लगाए वो गाड़ी के अंदर बैठे ही थे कि इस बार आवाज पीछे से आई। दोनों ने हिम्मत कर दोबारा गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो एक पिछली बार की तरह गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में भी बस एक डेंट के अलावा कुछ भी नहीं था। वो दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि गाड़ी की सामने की तरफ से इस बार एक जोरदार आवाज आई। सुमित और अमन दोनों दौड़कर आगे गए तो देखा कि एक डेंट गाड़ी के आगे भी था और इस बार भी आसपास कोई नहीं था। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी गाड़ी की छत पर आकर वो उल्लू बैठ गया
उन्होंने तभी अपनी गाड़ी में से एक पानी की बोतल निकाली और जंगल में भागे। अमन, मुझे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है, चल आसपास कुछ जगह ढूंढते हैं। करीबन 300 मीटर ही अंदर गए होंगे, परंतु उनकी सांसें फूलने लगी। रुककर हांफते हुए पानी की एक बोतल से पानी पीने के लिए मुंह ऊपर किया ही था कि देखा कि डाल पर वही उल्लू बैठा हुआ था। सुमित, ये कहां फंसा दिया तूने मुझे? ये उल्लू हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अमन, जंगल की तरफ भागते हैं और इस बार रुकना नहीं है। दोनों बिना पानी पिए ही जंगल के अंदर भागे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। उस रोशनी की ओर जब वो आगे बढ़े तो देखा कि उधर एक छोटा सा मकान था। सुमित और अमन को ये चीज अजीब लगनी चाहिए थी, लेकिन वो दोनों इतने डरे हुए थे कि ये छोटी सी रोशनी भी उनको कंफर्टेबल फील करवा रही थी। घर के सामने पहुंचे तो देखा कि उसके आगे के गेट पर ताला लगा हुआ था। तभी सुमित बोला, भाई बरामदे का दरवाजा खुला हुआ है और उधर लाइट भी दिख रही है, क्यों ना आज रात यहीं गुजार लें? हाँ, जगह तो डरावनी है पर उस गाड़ी वाली जगह से तो बेहतर ही है, साथ ही साथ इधर लाइट भी है। दोनों ने वहीं रात गुजारने की सोची। चारों तरफ घना जंगल, जंगल में रात का सन्नाटा, कीड़ों की आती लगातार आवाज। दोनों चुपचाप उधर बैठे थे और यही सोच रहे थे कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक टीन के छप्पर से एक जोरदार आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत खड़े होकर आगे गए और घूमकर दोनों ने देखा तो वही उल्लू उन्हें घूर रहा था। वो दोनों उल्लू को भगाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर 2-3 पत्थर भी फेंक कर देखे, लेकिन सारी कोशिशें बेकार। अब इस वक्त अमन बहुत तंग आ चुका था। पिस्तौल निकाल, उड़ा दे इस साले उल्लू को। सुमित ने निशाना लगाया और गोली चलाई। अंधेरे में यह तो नहीं दिखा कि क्या गोली उल्लू को लगी, पर वो उल्लू वहां से उड़कर जंगल की ओर चला गया। सुमित और अमन चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी सुमित का फोन बजा। फोन की आवाज सुनते ही अमन इतना डर जाता है कि सुमित को बुलाता है। साले, तुझे कहा था ना अपना फोन बंद रखना, मरवाएगा साले, चल ऑफ कर ये फोन अपना। सुमित ने तुरंत अपना फोन ऑफ किया। इतने में ही जो आवाजें उन्हें परेशान कर रही थी वो फिर से एक बार सुनाई दी। यहां रुके तो जानवर की मौत मारे जाएंगे, इससे अच्छा तो अपनी गाड़ी के ही पास जाते हैं। कड़ाके की ठंड में सुनसान जंगल से होते हुए दोनों एक मेन रोड के पास पहुंचते हैं तो उन्हें दूर दूर तक अपनी गाड़ी नजर नहीं आती है। ये ले, अब अपनी गाड़ी ही गायब हो गई है। गाड़ी छोड़, उस ढाबे पर चलते हैं जो यहां से 1 किलोमीटर दूर है। दोनों ढाबे पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी वही खड़ी थी और साथ ही पुलिस की जीप भी। पुलिस की गाड़ी देख दोनों पलटकर जाने लगे कि ढाबे के उस बच्चे ने आवाज लगाई। अरे भैया, ये साहब आपसे बात करना चाहते हैं। डरे डरे से दोनों जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने पूछा, गाड़ी आपकी है? हाँ सर, हमारी ही है। तो ऐसे मेन रोड पर गाड़ी छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो क्या है ना सर, हम जंगल में बाथरूम करने घुसे और जब वापस आए तो देखा गाड़ी वहां थी नहीं। पुलिस ने उनके पेपर्स और ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक किए और कहा कि अब वो वहां से जा सकते हैं। गाड़ी में घुसने से पहले उन्होंने गाड़ी की छत, आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा देखा और साथ ही में उसकी डिक्की भी सब कुछ चेक कर ली। दोनों इस सोच में डूब गए कि गाड़ी में पहले जो डेंट थे वो अब नए जैसे लग रहे थे।
खैर पुलिस वहां बैठी ही थी, इसलिए दोनों ने वहां ज्यादा समय नहीं लगाया। दोनों जाकर गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी गाड़ी के बोनट पर वही उल्लू आकर बैठ गया और ऐसा लग रहा था कि वो शीशे से उस पार बस इन्हें ही देख रहा हो। उन्होंने उसे हटाने के लिए गाड़ी के वाइपर्स चला दिए, लेकिन फिर भी वो वही बैठा रहा। उसके बाद अमन बाहर निकलकर उस उल्लू को उड़ाने लगा। वो अंदर आकर बैठा और दोनों गाड़ी स्टार्ट करके चल दिए। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसमें न जाने उन्होंने कैसे राज छुपाए हुए थे। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। लाख कोशिश के बाद भी गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। सुमित जब गाड़ी से उतरा तो एक अजीब सी फीलिंग उसे होने लगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही जगह थी जहां उनकी कार थोड़ी देर पहले रुकी थी। नीचे उतरने के लिए जैसे ही सुमित ने गाड़ी का दरवाजा खोला था कि तभी फिर वो उल्लू उसकी गाड़ी पर आकर बैठ गया। फिर से यही। यह देखकर उसकी हालत और भी खराब होने लगी कि तभी वो गाड़ी में बैठकर एक बार फिर गाड़ी शुरू करने लगा। उसकी सारी कोशिश जब बेकार हो गई तो सुबह तक वेट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। गाड़ी की सीट को थोड़ा पीछे कर दोनों सोने की तैयारी करने लग गए कि तभी थोड़ी देर में डिक्की से एक आवाज आई। सुमित, तूने वो आवाज सुनी जो मैंने सुनी? हाँ, लेकिन गाड़ी से नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठा रहे यहीं पर। थोड़ी देर में वो आवाज अपने आप बंद हो गई और दोनों ने चैन की सांस ली। आज की रात दोनों के साथ इतना कुछ हुआ था कि कब उनकी आंख लगी उन्हें पता ही नहीं चला। आंख लगने के 2-4 मिनट बाद ही किसी ने उनके शीशे पर दस्तक दी। सुमित और अमन दोनों की आंख अचानक खुली, पर दरवाजा किसी ने नहीं खोला। जब शीशे की दस्तक बंद हुई, गाड़ी के ऊपर सामने और पीछे की तरफ एक आवाज, अबे बाहर निकल, कितनी दूर भागेगा, निकल बाहर। हड़बड़ाकर दोनों गाड़ी से बाहर निकले तो देखा पुलिस के लोग डंडे से उनकी गाड़ी पर बुरी तरह से मार रहे थे। दरअसल सुमित और अमन ने ही उस आदमी की हत्या की थी जिसकी लाश पुलिस को हरियाणा से बरामद हुई थी। दोनों ने नशे की हालत में पहले उस आदमी को मिलने के लिए बुलाया और फिर उनका पैसा ना लौटाने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस ने वो बरामद लाइसेंस राजस्थान पुलिस को दे दिया था, जो कि राजस्थान का ही निवासी था। लास्ट लोकेशन देखकर राजस्थान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सुमित और अमन पुलिस की गाड़ी में बैठे थे और जब नजर अपनी गाड़ी की छत पर गई तो उस आदमी की लाश दिखी जिसके ऊपर वो उल्लू बैठा हुआ था। बेंगलोर में रहने वाले रौनक और पूर्वा की अभी नई नई शादी हुई थी और अपने खानदान के रिवाज के हिसाब से शादी के महीने भर के अंदर अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेना होता था और इसलिए रौनक पूर्वा को लेकर अपने पुश्तैनी घर आया था, जो कि बेंगलोर से दूर एक कस्बे में था। रास्ते में रौनक बस खामोशी से ड्राइव करता रहा और पूर्वा तरह तरह के सवाल करती रही। तुम्हारा घर कैसा है? क्या पुराने जमाने की हवेली जैसा है? अच्छा, क्या तुम्हारे घर पर अभी भी कोई रहता है? तुमने अपना बचपन वहीं गुजारा है ना? लेकिन रौनक बस चुप था और पूर्वा नाराज होकर बोली, चुप ही रहना था तो अकेले आते। तभी रौनक ने गाड़ी रोकी और बोला, घूंघट कर लो, मेरा गांव बस अब शुरू हो रहा है। जल्दी रौनक ने अपनी गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने रोकी और गाड़ी से उतरा। उसके साथ ही पूर्वा भी उतरी और उसने आसपास देखा तो सब कुछ बिल्कुल वीरान सा था। पूर्वा को वो जगह बड़ी मनहूस लग रही थी। तभी एक बूढ़ा वहां से गुजरा और रौनक उससे बोला, अरे शंभू काका, आपने मुझे पहचाना नहीं,
मैं रौनक। लेकिन वो बूढ़ा रौनक और उसके साथ खड़ी पूर्वा को बस घूर कर देखता चला गया। पूर्वा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। पूर्वा रौनक का हाथ पकड़ती हुई बोली, रौनक क्या यहाँ रहना जरूरी है? हम किसी और जगह रह लेते हैं ना, वहीं से कुलदेवी के मंदिर जाकर पूजा कर लेंगे। नहीं पूर्वा, यहाँ घबराने जैसा कुछ नहीं है। असल में क्या है ना, ये गांव का पिछला हिस्सा है इसलिए सुनसान हो गया है, लोग आगे की तरफ जाकर बस गए हैं। तुम मेरे साथ आओ। इतना कहकर रौनक ने पूर्वा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हवेली के बड़े से दरवाजे के पास गया और उस टूटे फूटे दरवाजे से होते हुए वो अंदर गया। हवेली के बाहर बड़ा सा बगीचा था जो अब बिल्कुल उजड़ चुका था, बड़ी बड़ी घास उग गई थी और हवेली भी बहुत जर्जर स्थिति में थी। दीवारों से सारे रंग उखड़ चुके थे। पूर्वा चारों तरफ देखती हुई बोली, ये तो किसी भूत बंगले जैसा लगता है। तभी पूर्वा की नजर हवेली के सबसे ऊपर बने एक कमरे पर गई और उसे लगा जैसे वहां खड़ा कोई उन लोगों को देख रहा है। और पूर्वा घबराती हुई बोली, रौनक वो देखो वहां कोई है। और रौनक ने उस तरफ देखते हुए कहा, यहां कोई नहीं है पूर्वा, इस जगह पर सालों से कोई नहीं रह रहा। मेरी माँ के मौत के बाद ये जगह बिल्कुल ही वीरानी है, बल्कि माँ भी अपने अंतिम दिनों में मेरे साथ ही थी, यहाँ नहीं। शाम होने के करीब आ चुकी थी और अब बिल्कुल वक्त नहीं था कि कमरों की सफाई करके वहां रहा जाए, इसलिए रौनक और पूर्वा ने हॉल में ही साफ सफाई कर अपने लिए सोने जितनी जगह बना ली और अपने साथ लाए खाने पीने के सामान से काम चला लिया। हॉल में ही लेट गए। रौनक देख रहा था कि पूर्वा डरी हुई है। रौनक पूर्वा का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और ये जगह तो मेरा ही घर है, मेरा बचपन यहाँ बीता है। और पूर्वा रौनक को गले लगाती हुई बोली, वो सब तो ठीक है रौनक, लेकिन इस जगह की हालत तो देखो, यहाँ लाइट तक नहीं है। वो तो अच्छा हुआ हम अपने साथ टॉर्च ले आए। रौनक पूर्वा को शांत करता हुआ बोला, ये सब छोड़ो, अभी हम हमारी बात करते हैं। इतने में ऊपर वाले कमरे से कुछ जोर से गिरने की आवाज आई और रौनक और पूर्वा दोनों हड़बड़ाकर उठकर बैठ गए। पूर्वा डरती हुई बोली, ये क्या था रौनक? शायद कुछ गिर गया होगा, कबाड़ी तो भरे हुए है ना, और तुम रुको मैं एक बार देख कर आता हूँ। और रौनक टॉर्च लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। रौनक उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से वो आवाज आ रही थी और उसने जैसे ही कमरे को खोला वहां सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस कमरे में कोई हलचल हो रही थी। तभी उसकी नजर गई सामने लगी एक अलमारी पर जिसके कुंडी में एक बड़ा सा त्रिशूल फंसा हुआ था। रौनक उस तरफ बढ़ा और उसने धीरे से त्रिशूल को खींच कर देखते हुए कहा, ये त्रिशूल यहाँ क्यों है? तभी उसे पूर्वा के चीख की आवाज सुनाई दी और वो भागता हुआ नीचे की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ रौनक के जाते ही पूर्वा को ऐसा लगा जैसे उसके बगल में कोई बैठा हुआ है और किसी के सांसों की गर्मी पूर्वा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। पूर्वा ने चौंकते हुए अपने बगल में देखा तो कोई नहीं था। पूर्वा धीरे से बोली, कौन है यहाँ? उसको लगा जैसे उसके कान में कोई बोला है, तुम्हारी मौत। यह सुनकर पूर्वा चीख पड़ी और पूर्वा के चीख की आवाज से रौनक भागता हुआ उसके पास आया। क्या हुआ पूर्वा, तुम चीखी क्यों? पूर्वा अजीब तरह से मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं रौनक, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई बिल्ली थी। तुम आओ ना, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ, तुम बहुत थक गए हो। उसके बाद पूर्वा ने रौनक को जबरदस्ती लिटा दिया और उसके पैर दबाने लगी और बड़े प्यार से रौनक की तरफ निहारने लगी। रौनक मुस्कुराकर बोला, क्या बात है पूर्वा, तुम्हारा ये रूप, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। हाँ अभी तो तुम देखते जाओ मेरे कितने रूप है, तुमने मुझे मेरा रूप दिखाने का मौका ही कहाँ दिया। रौनक आंख बंद करके लेट चुका था और पूर्वा अजीब नजरों से रौनक की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी।
अगली सुबह जब पूर्वा जागी तो उसने देखा हवेली का हिस्सा काफी साफ सुथरा हो चुका था और रौनक वहां नहीं था। तभी उसकी नजर अपने सामान पर पड़ी। उसका बैग खुला हुआ था और उसकी सारी चीजें बिखरी हुई थी। साथ ही साथ उसकी शादी का वो दुपट्टा जो मंदिर जाने के लिए लेकर आई थी वो पूरा जला हुआ था। ये क्या हुआ? तभी उसे बाहर से रौनक की आवाज आई। पूर्वा, क्या तुम जाग चुकी हो? अब जल्दी जाकर नहा लो, हमें मंदिर के लिए निकलना है। और पूर्वा उस दुपट्टे को वापस बैग में रखती हुई नहाने के लिए चली गई। पूर्वा के जाते ही उसका बैग का चैन अपने आप खुल गया और उसके सारे सामान निकल कर इधर उधर बिखर गए और पूर्वा की शादी से जुड़ी सारी चीजें धो धो करके चलने लगी। उधर से गुजरते हुए रौनक ने जब ये सारी चीजें देखी तो वो हैरान रह गया। उसने जल्दी जल्दी किचन से पानी लाकर आग को बुझाया और बोला, ऐसे कैसे हो गया? तभी उसने देखा सामने से मुस्कुराते हुए पूर्वा आ रही है। पूर्वा, ये सब कैसे हो गया? दरअसल किचन में जो माचिस रखी थी ना, वो सील गई थी, तो बस मैं जला जला कर देख रही थी तो शायद यहाँ कोई चिंगारी चली गई होगी और मेरा ध्यान नहीं गया होगा। एनीवेज ये सब चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, सामान ही तो है। चलो ना, थोड़ी देर तुम और मैं बाहर बैठते हैं। रौनक पूर्वा के इस अजीब बिहेव पर हैरान था, लेकिन वह चुपचाप पूर्वा के साथ चला जा रहा था। बाहर दरवाजे के पास लगे बड़े से आईने के सामने से गुजरते हुए रौनक के कदम जहां थे वहीं थम गए, क्योंकि उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई तो दिख रही है लेकिन पूर्वा नहीं दिख रही थी। रौनक कभी घबरा कर पूर्वा की तरफ देखता, कभी आईने की तरफ। तभी पीछे से उसे पूर्वा की आवाज सुनाई दी। ओ गॉड, ये क्या हुआ रौनक? मेरी चीजें कैसे जल गई? रौनक ने घबरा कर पीछे देखा तो उसने पाया कि पूर्वा परेशान से अपनी चीजों को देख रही है। रौनक भागता हुआ उसके पास गया। तुम यहाँ हो तो मेरे साथ कौन था? तुम्हारे साथ? मैं तो अभी नहा कर आई हूँ। मुझे लगता है तुम सही कह रही थी पूर्वा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहले कल रात जिस तरीके से तुमने मेरे साथ बिहेव किया और फिर अभी। कल रात को तो मुझे याद ही नहीं, तुम्हारे जाने के बाद हुआ क्या? शायद माँ जो कहती थी सही कहती थी। एनीवे पूर्वा, जल्दी चलो, हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। रौनक ने अभी इतना ही कहा था कि तभी हवेली के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली में चारों तरफ अंधेरा फैल गया और वहां हंसी ठहाके की आवाज, तो कभी वो आवाज रोने में बदल जाती, कभी पायल की झंकार में बदल जाती, तो कभी कंगन की खनकनाहट में बदल जाती। पूर्वा और रौनक को ऐसा लगने लगा था जैसे कोई तेजी से उनके इर्द गिर्द नाच रहा है। और पूर्वा बोली, रौनक ये सब क्या हो रहा है? तभी रौनक और पूर्वा के सामने एक काला साया उभरने लगा और पूर्वा डरते हुए रौनक के पीछे जाकर खड़ी हो गई। और इन दोनों के देखते ही देखते वो काला साया एक लाल साड़ी वाली औरत में बदल गया। उसका चेहरा बुरी तरीके से झुलसा हुआ था और उसके चेहरे से खून और कीड़े टपक रहे थे। पूर्वा को उसे देखकर घिन आने लगी थी। तू आखिर तुम मुझे पहचान गए पतिदेव? और उसने जैसे ही रौनक को पतिदेव कहा, पूर्वा हैरानी से बोली, रौनक क्या तुम इसे जानते हो? कौन है ये? इससे पहले रौनक और कुछ बोलता, रौनक को लगा जैसे किसी ने उसे तेजी से धक्का दिया है और रौनक दूर जाकर गिर गया। और वो लाल साड़ी वाली औरत तेजी से पूर्वा के पास आई और उसका गला पकड़ती हुई बोली, मैं तुझे बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ कनकलता, रौनक की बीवी, उसकी असली बीवी, जिसे उसने शादी के 2 दिन बाद ही छोड़ दिया और हमेशा के लिए चला गया। ये सुनकर पूर्वा हैरानी से रौनक की तरफ देखने लगी। इस वक्त पूर्वा को डर नहीं लग रहा था बल्कि रौनक के लिए नफरत हो रही थी। कनकलता, छोड़ दो पूर्वा को, इसमें पूर्वा की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। देखो, मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था।
मैं तो अपनी पढ़ाई करना चाहता था, अपना करियर बनाना चाहता था। वो तो माँ ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करा दी, लेकिन जबरदस्ती शादी तो हो गई, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मान पाया और मैं चला गया। वहां जाकर मुझे पूर्वा से प्यार हुआ और कुछ दिनों पहले हमने एक दूसरे से शादी कर ली है। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी मौत के बाद भी मैं नहीं आ पाया, मैंने पति का कोई धर्म नहीं निभाया, इसलिए मुझे सजा दो। लेकिन इसमें पूर्वा की कोई गलती नहीं है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, इसे छोड़ दो। रौनक, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। पूर्वा, तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ये सब नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए ये सब चीजें इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि मेरा और उसके बीच पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं था, बल्कि मैं तो शादी के 2 दिन बाद ही यहाँ से चला गया था। उसके कुछ दिन बाद मुझे माँ का फोन आया कि रसोई में खाना बनाते हुए कनक लता के साड़ी में आग लग गई और उस आग में जलकर वो मर गई। लेकिन मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा था कि मैं नहीं आया। कुछ दिनों बाद ही माँ का फोन आया कि हवेली में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही है और माँ अभी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, और मेरे पास आ गई। वहाँ आकर कुछ समय बाद माँ की भी मौत हो गई और फिर मेरा यहाँ आना कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि माँ किस अजीब गरीब चीजों की बात कर रही थी। कनकलता रौनक को गुस्से में घूरती हुई बोली, साड़ी में आग लगने से मेरी मौत नहीं हुई रौनक, बल्कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे मारा था, क्योंकि उन्हें जब लगा कि मैं उन लोगों की पोल पट्टी खोल दूंगी सबके सामने कि तुम मुझे बीवी की तरह नहीं अपनाते और इन लोगों ने धोखे से हमारी शादी करवाई है, तो इन लोगों की बदनामी होगी, और इसलिए तुम्हारी माँ ने अपने नौकरों के साथ मिलकर मुझे जलाकर मार डाला था और मेरी लाश को मेरे ही कमरे की अलमारी में बंद कर दिया था। गाँव में अफवाह फैला दी कि मैं भाग गई हूँ। मैंने उन नौकरों की जान तो ले ली अपने बदले के लिए, लेकिन तुम्हारी माँ उससे पहले यहाँ से भाग गई और जाते जाते वो त्रिशूल के जरिए मुझे उस अलमारी में कैद कर गई। लेकिन जब तुमने त्रिशूल को निकाल कर मुझे आजाद किया तो अब होगा मेरा बदला पूरा। देखो, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो, तुम अपनी मौत का बदला मुझसे ले लो, लेकिन पूर्वा को छोड़ दो। लेकिन कनकलता इनकार करती हुई बोली, मुझे तुम चाहिए, मेरा पति, और वो इसकी जान लेने के बाद ही संभव है। इतना कहकर कनकलता ने पूर्वा के गले पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगी और रौनक को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कैसे वो पूर्वा की जान बचाए। तभी रौनक को कुछ याद आया और वो भागता हुआ ऊपर कनकलता के कमरे में गया, अपने सामने अलमारी देखी जिसमें से उसने कल रात त्रिशूल निकाला था। रौनक ने जैसे ही उस अलमारी को खोला, उसमें से सड़ी गली हड्डियां एक कपड़े में लिपटी हुई बाहर गिरी, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये कनकलता की हड्डियां है, और कनकलता शायद अब तक इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे मुक्ति नहीं दी गई थी। रौनक ने बिना देर किए उस कमरे के फर्नीचर और लकड़ियों को जमा किया और उसकी लाश में आग लगा दिया। जैसे ही कनकलता की हड्डियों में आग लगी, वो धूं धूं करके जलने लगी। नीचे पूर्वा पर कनकलता की पकड़ ढीली पड़ गई और चीखने लगी। कनकलता की चीख से वह हवेली ही नहीं, पूरा गांव कांपने लगा था। देखते ही देखते वह आग कमरे से निकलकर पूरी हवेली में फैलने लगी। रौनक भागता हुआ नीचे आया तो उसने देखा कि नीचे पूर्वा बेहोश पड़ी है और आग इससे पहले कि पूरी हवेली तक फैल जाती, रौनक ने पूर्वा को अपनी बाहों में उठाया और हवेली से लेकर भाग गया। कुछ ही देर में वह पूरी हवेली किसी चिता की तरह धूं धूं करके जलने लगी और रौनक ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है कनकलता, लेकिन मुझे उम्मीद है अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैंने एक पति होने का दायित्व निभाया है और तुम्हें अग्नि के हवाले कर दिया है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इतना कहकर रौनक पूर्वा को लेकर गाड़ी में पिछली सीट पर लेटाया और बिना पीछे मुड़े ही शहर की तरफ लौट गया। थोड़ी देर बाद पूर्वा को होश आया और वो पिछली सीट पर उठकर बैठ गई। रौनक ने पूछा, तुम्हें होश आ गया, तुम अच्छा महसूस कर रही हो अब? इतना बोलते ही
रौनक की नजर सामने लगे कांच पर पड़ी, क्योंकि सामने मिरर में वो अपना चेहरा तो देख पा रहा था लेकिन पूर्वा उसे नहीं दिख रही थी। जैसे ही रौनक ने पीछे पलट कर देखा, पूर्वा के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। अचानक सामने से आती ट्रक से रौनक की गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई और उसकी गाड़ी खाई में गिर गई और पीछे से आवाज गूंजी, अब मेरा बदला पूरा हुआ है और अब मिली है मुझे मुक्ति पतिदेव।